हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं भोजपुरी ब्रांड चैनल से पवन सिंह ने डीएम के आदेश पर छठ गीत गाकर दीवाना बना दिया। पवन सिंह स्टेज शो, ओके, डीएम भी फैन हो गए। स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं इस स्टेज शो को, एंजॉय करते हैं इस वीडियो को, और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीएम साहब का बाबू प्लीज यार थोड़ा शांति बनाइए। हमारे डीएम साहब का एक फरमाइश है और भजन तो भजन होता है, कभी भी आदमी गा सकता है। रुक जा बेटा, प्लीज बाबू, क्या भाव है? छठ ही माई के घाटा बाजा बाजा बाजा। दुनिया का कोई भी संगीत हो ब्रदर, लेकिन छठ जब शुरू होता है ना, माहौल ही बदल जाता है। छठ माई के घाटा बाजन बाजन बाजा बाजा बाजा। गोदिया में कोई है बाला का बाता और रख दे वे आई हो। I'm gonna make it.
ओके यार, यहाँ पे ये क्लिप खत्म, ठीक है। ओ माय गॉड, क्या प्यारा सॉन्ग है, सीरियसली यार, कितना प्यारा गाया है पवन भैया ने, है ना। और जो इमोशंस होते हैं ना बच्चे से जुड़े हुए, जो पेरेंट्स के जो इमोशन होते हैं, प्यार जो मन में होता है, वो प्यार, वो इमोशन यहाँ पवन भैया के चेहरे से झलक रहा था। इतना सॉफ्टली ये गा रहे थे, इतना मन से, इतना इमोशन लेकर ये गीत, इस गीत को गाया है पवन भैया ने, है ना। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यार, बहुत सुकून मिला इस सॉन्ग को सुन के, है ना। बहुत अच्छा लगा इस सॉन्ग को सुन के, और डीएम साहब की फरमाइश भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सो उनकी फरमाइश पर ये गाना पवन भैया ने गाया और फुल इमोशन लेकर गाया, है ना। तो गजब यार भाई, गजब, बहुत गजब। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।